हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोगों ने लास्ट सारे लेक्चर में मॉडिफाइड टूल बार, ड्रॉ टूल बार, ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ। आज हम लोग डिस्कस करते हैं एनोटेशन टूल बार। ठीक, देखिए, एनोटेशन टूल बार में कई सारे ऑप्शन हैं आपके। जैसे पहला ये टेस्ट है, आप कई सारी चीज़ें अगर आप अपने स्क्रीन पर लिखना चाहते हैं तो आप इस कमांड के थ्रू लिखते हैं। ये आपका डायमेंशन है, ठीक है, डायमेंशन में आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप उसको यहाँ से करेंगे। ये भी आपका देखिए डायमेंशन क्या, कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर आप लीनियर यूज़ करना चाहते हैं तो लीनियर लीजिए, अलाइन पे लेना चाहते हैं, एंगुलर, सर्कल, ठीक है। तो आप जिस तरह का डायमेंशन पे आप अपना लिखना चाहते हैं, आप उस तरह का फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ से आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पर भी लीडर, एड लीडर, रिमूव लीडर, ये मैं तीन कमांड आपको बताऊँगा, ये दोनों भी नहीं बताऊँगा, ये आपको आगे ज़रूरत है। तो हम यहाँ अभी तीन कमांड डिस्कस करेंगे, ये तीन कमांड क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना एनोटेशन टूल बार। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे एक हम लाइन लेते हैं, ठीक है, ये मैंने कोई लाइन ले लिया, अर्थ ऑन कर दूँ, ठीक है। तो ये हमारी, हम मान लेते हैं लाइन हम अपना 60 लेंथ का ले लिए, ठीक है। अब देखिए, 60 लेंथ ले लिए, आप मान लीजिए कोई फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, अपना जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में आपको अगर डायमेंशन दिखाना रहेगा तब आप कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको यहाँ पे इस लाइन का डायमेंशन दिखाना है, ठीक है। तो आपको देखिए क्या करना है, इस ऑप्शन पे जाना है, यहाँ आपको देखिए लीनियर दिख रहा है, ठीक है। आप लीनियर पे क्लिक करिए। लीनियर का क्या होता है कि आपकी जो लाइन है, जब हॉरिजेंटल या वर्टिकल होता है, हम लोग लीनियर का यूज करते हैं, ठीक है। लीनियर हमने लिया, अब लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। नीचे ड्रैग करेंगे तो नीचे लिखेगा, ऊपर ड्रैग करेंगे तो ऊपर लिखेगा, ठीक है। इस तरह से आप ये इसके डायमेंशन को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है लीनियर की बात। अब हम लोग देखिए, अगर कोई एक अलाइन लाइन बनाते हैं, मतलब एक किसी एंगल पर लाइन बनाते हैं, तब देखिए कैसे होता है। मान लीजिए हमने लेंथ 40 दे दिया और फिर एंगल हम लोग दे देते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, आपकी लाइन एक किसी एक एंगल पर बना हुआ है। अब अगर आप सोचेंगे कि सर ये एक लाइन है, इस लाइन को अगर हम लोग इसी लीनियर से ये अगर करना चाहें, और हम कहेंगे कि नहीं, अलाइन से ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन आप कहोगे सर लीनियर से हम करेंगे, तो हम ठीक है आपको लीनियर बता रहे हैं। देखिए, लीनियर में क्या है कि अगर आप लीनियर से फर्स्ट पॉइंट दे रहे हैं, उसके बाद सेकेंड पॉइंट दे के आप ड्रैग करके लिख रहे हैं, तो देख रहे हैं आपका किस तरह लिखाई दे रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो मतलब आपका ये देखिए, इस लाइन और इस लाइन के जो लिखने के स्टाइल, उसमें देखिए डिफरेंस है। ये लाइन के जस्ट पैरेलल लिखा हुआ है, ये देखिए इतना एरिया घेर लिया है, दिख रहा है आपको। जैसे ये लाइन आप ड्रॉ किए हैं, उसके बाद डायमेंशन आपको मेंशन करना है, तो देख रहे हैं इतना एरिया ये कवर कर रहा है। तो इसी वजह से हम लोग लेते हैं अलाइन कमांड, ठीक है। अलाइन कमांड लेने से क्या होता है कि आप लाइन के फर्स्ट पॉइंट, एंड पॉइंट देख के आप जब ड्रैग करेंगे माउस को, तो आप देखिए उसी हिसाब से आपका वैल्यू जो था वो यहाँ पे मेंशन हो गया, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग ये नहीं करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू आई, ये वैल्यू देखिए गलत आई है, दिख रहा है आपको, क्योंकि हमने देखिए 40 लेंथ का लिया था और इसने जो लेंथ को कवर किया, उसने इस वर्टिकल लेंथ को कवर किया। तो ये वर्टिकल लेंथ आपका दिखा रहा है 20 है, जबकि इस लाइन की लेंथ 40 है, ठीक है। इस वजह से अलाइन हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आप कोई लाइन बनाए हैं, लाइन पे कोई आप एंगल दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम कोई एक लाइन बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ऑर्थो ऑन करके मान लेते हैं इधर कोई हम लोग ये एक एंगल पे, देखिए आपका ड्रा हो गया फिगर। अब देखिए, आपको एंगल अगर यहाँ पे शो करना है कि कितने डिग्री एंगल है, तब आप यहाँ से लेंगे एंगुलर, ठीक है। एंगुलर लेने के बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन और सेलेक्ट कर देंगे सेकेंड लाइन को, तो देखिए आपका एंगल जो है वो दिखाने लगा कि कितने डिग्री एंगल का है, दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, हम आपको फिर से बता देते हैं। देखिए, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करिए और सेकेंड लाइन को सेलेक्ट करिए, दिख रहा है आपको। देखिए, अगर आप बाहर लिखना चाहते हैं तो बाहर लिखिए, ठीक है, या अगर आप और बड़ा लिखना चाहते हो तो और बड़ा लिखिए, ठीक है। तो ये आपका होता है एंगुलर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, आर्क, ठीक है। तो हम लोग आर्क ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए, आर्क हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये ले लिया हमने, ठीक है। आप जो भी फिगर आपको जरूरत रहेगा, आप अपने फिगर के अकॉर्डिंग लेंगे आर्क, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये एक आर्क बना दिया हमने, ठीक है।
अब देखिए आर्क बनाने के बाद हम लोग लेते हैं इस आर्क का लेंथ हमें निकालना है, ठीक है। ये जो आर्क आपको दिख रही है इस आर्क का आपको लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लेते हैं आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ लेने के बाद इस आर्क पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी लेंथ जो है वो शो करने लगी, दिख रहा है आपको, देखिए ये लेंथ देखिए यहाँ पे शो करने लगा। और देखिए ये देखिए जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हुआ है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को पहले देखिए एक आर्क शेप बना रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका फिगर है वो आर्क है, तो लेंथ जो दिया हुआ है वो आर्क का लेंथ है, ठीक है, ये होता है। अब इसके अंदर देखिए जो अगला ऑप्शन है वो रेडियस और डायमीटर का है, ठीक है। तो रेडियस डायमीटर अगर लेना है तो हम मान लीजिए यहाँ से ले लेते हैं रेडियस वाला सर्कल, ठीक है। उसके बाद एक हम लोग सर्कल ले लेते हैं डायमीटर का, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से लेते हैं पहला ऑप्शन रेडियस। रेडियस लेने के बाद क्या करना है आपको, सर्कल अगर सर्कल का रेडियस दिखाना है तो सर्कल का लीजिए, या आर्क का रेडियस दिखाना है तो आर्क को लीजिए, ठीक है। हम मान लेते हैं सर्कल का रेडियस दिखाना है तो यहाँ सर्कल पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आपका रेडियस शो करने लगा। तो आप कहीं भी लिखिए, अगर बाहर लिखना है तो बाहर ड्रैग करके लिखिए, अंदर लिखना है तो अंदर लिख दीजिए, ठीक है, जहाँ आपके मन करे वहाँ आप लिख दीजिए, ठीक है। ये होता है रेडियस। और देखिए रेडियस लेने पे आपको यहाँ आर लिख के आएगा, ठीक है। इससे ये पता चलता है हमको कि ये जो वैल्यू थी भी ये वैल्यू रेडियस की है, ठीक है। अब अगला हम लोग चलते हैं डायमीटर पे। तो देखिए डायमीटर अगर हमें लेना है तो इसी फिगर पे आप जैसे हम मान लेते हैं इसी सर्कल का हमें डायमीटर दिखाना है तो इसी पे सेलेक्ट करिए। अब देखिए ये जो आपका शो कर रहा है ये डाया शो कर रहा है, तो डाया जब भी शो करेगा तो डाया का ये जो होता है ये ऑप्शन ऑटो कैड में रहता है जो ये शो करता है कि ये डाया है, ठीक है। और रेडियस के लिए आर लिख के आता है। अब वही मैं आपको बता दूं कि अगर आर्क में आपको लिख के आना है, रेडियस आर्क का निकालना है तो बस आर्क को सेलेक्ट करिए, देखिए आर्क को सेलेक्ट करना है तो आपका देखिए रेडियस दिखाने लगा, दिख रहा है आपको कि ये रेडियस आर्क का है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ये सारे जो डायमेंशन हैं उनका यूज करते हैं। अब देखिए हम आपको एक नया चीज़ बताते हैं कि इन डायमेंशन का कलर बदलना, जैसे आप मान लीजिए लाइन वाइट कलर बनाया, अगर आप सोच रहे हैं कि हम डायमेंशन का कलर चेंज कर दें तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने डायमेंशन को क्लिक करिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज़ में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्ट कलर का ऑप्शन, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट कलर का ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे कलर दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो कलर आपको पसंद हो आप वो कलर यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा एक कलर चेंज हो गया, ठीक है, पिंक कलर हो गया। अब मान लेते हैं हमें इसका कलर चेंज करना है, हमें दूसरा कलर मेंशन करना है तो हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये लाइन है, लाइन के बाद ये आपने डायमेंशन लाइन बनाया हुआ है, ठीक है। तो इन डायमेंशन लाइन और ये मेन लाइन के बीच जो आपको यहाँ पर गैप दिख रहा है ये, ठीक है, दिख रहा है गैप, ये देखिए ये गैप आपको दिख रहा है। तो इस गैप पे क्या होता है कभी कभी कि अगर आप ये जो लाइन है ये इससे सट के आती तो जब ज़्यादा जूम करेंगे तब आपको गैप दिखता है। तो उसके लिए गैप अगर बढ़ाना है आपको तो उसके लिए क्या करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से डी इंटर करेंगे, ठीक है। डी इंटर करने के बाद ये एक बॉक्स खुल के आएगा, यहाँ से मॉडिफाई में जाना है, ठीक है। मॉडिफाई में जाएंगे तो ये देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है टेस्ट फिट लाइंस, ठीक है। तो टेस्ट का मतलब देखिए ये होता है कि ये जो आपका फिगर है, इस फिगर में ये जो टेस्ट लिखा हुआ है दिख रहा है आपको, तो ये टेस्ट की जो लेंथ है और इसकी जो लाइंस ऑफसेट है उसको हम यहाँ से चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं, टेस्ट में जाने के बाद ये आपकी टेस्ट हाइट का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, ठीक है। टेस्ट हाइट का ऑप्शन यहाँ आपको चेंज कर देना है तो हम मान लीजिए 3 रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन, इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो ये लाइन है लाइन से कितना ऊपर है, ठीक है, लाइन से कितना ऊपर आप रखना चाहते हैं, मान लेते 1 रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल जब आप क्लिक करेंगे तो हॉरिजेंटल में ये रहता है जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है कि अगर आप वर्टिकल अगर ये डायमेंशन लिखा है, ठीक है, या एंगुलर डायमेंशन लिखा है या अलाइन लिखा हुआ है, हर में आपको जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है ये आपको हॉरिजेंटल दिखेगा, दिख रहा है, सब में हॉरिजेंटल लिखा हुआ है।
अब दूसरा ऑप्शन जो है अलाइन विथ डायमेंशन लाइन, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी डायमेंशन लाइन है उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेस्ट रहता है वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाता है कि अगर अब वर्टिकल है तो वर्टिकल हो गया, हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल हो गया। अब देखिए एक ऑप्शन है आईएसओ स्टैंडर्ड। आईएसओ स्टैंडर्ड क्या करता है कि उसको जो लाइन है लाइन के अकॉर्डिंग या फिगर के अकॉर्डिंग उसको सेट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लाइन पे चलते हैं। लाइन पे देखिए क्या है, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन सिर्फ एक चेंज आपको करना है और कोई चेंजेस नहीं करने इसमें। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन का मतलब यही है कि आप इस लाइन से कितना दूर आप रखना चाहते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं 1 भी ले लेते हैं इस बार। ठीक है, यहाँ से ओके करिए। ठीक है, यहाँ पे सेट करंट करिए, सेट करंट करने के बाद क्लोज करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं गैप जो है वो हमारा बढ़ गया। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे देखिए लेटर जो लिखे हुए थे लेटर की भी लेंथ बढ़ गई। तो ये हमारा यूज होता है डायमेंशन का। ठीक है, ये डायमेंशन भी वही शो करता है। जैसे आप डायमेंशन यहाँ लीजिए तो यहाँ से क्या करेगा आपका, ये देखिए देख रहे हैं, ये वही चीज़ है। तो इससे आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा कि सर ये डायमेंशन क्या है। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं टेस्ट में। देखिए टेस्ट में दो ऑप्शन होता है, एक होता है मल्टीपल टेस्ट और एक होता है हमारा नीचे लाइन टेस्ट, सिंगल लाइन। ठीक है, सिंगल लाइन और मल्टीपल टेस्ट। तो देखिए हम पहले मल्टीपल टेस्ट बताते हैं। मल्टीपल टेस्ट क्या होता है कि आप अपने इस डायग्राम पे अपने इस स्क्रीन पे कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑप्शन को चूज करते हैं। तो हम मान लीजिए मल्टीपल टेस्ट लेते हैं। मल्टीपल टेस्ट लेने के बाद आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना रहता है। ठीक है, कि एक बॉक्स बनाना रहता है कि उसी बॉक्स के अंदर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो उसी बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बॉक्स एक बना देते हैं। ठीक है, ये देखिए बॉक्स बन गया आपका। अब हम कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लाइन लिख दिया। ठीक है, तो देखिए लाइन काफ़ी बड़ा आपको लिख के आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। लाइन लिखने के बाद अपने माउस से लेफ्ट क्लिक कर दीजिए अपने स्क्रीन पे बस। अब देखिए लाइन जो बड़ा लिख के आ रहा है इसको हम लोगों को छोटा करना है, मतलब अपने लाइन के अकॉर्डिंग इसको हमें सेट करना है। तो इसके लिए लाइन पे क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है एक्सप्रेस टूल्स में। एक्सप्रेस टूल्स में जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा इनक्लोज इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इनक्लोज इन ऑब्जेक्ट करने के बाद आप एस्केप करिए। एस्केप करने के बाद फिर से आप अपने जो भी लिखे हुए टेस्ट पे उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एस सी इंटर करेंगे। ठीक है, एस सी इंटर करिए। एस सी इंटर करने के बाद आपसे कह रहा है कि बेस पॉइंट बताइए, तो अपने जो भी लेटर लिखे हुए उसका एक बेस पॉइंट दे दीजिए कि मतलब वो पॉइंट आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, तो हमने ये बेस पॉइंट दे दिया। अब देखिए अब तो लगेगा सर ये अब क्या हो रहा है, तो अभी आप क्या करना है कि नीचे जो कमांड लाइन है यहाँ आपको रेफरेंस दिख रहा है, तो रेफरेंस पे क्लिक करिए। और रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आप अपने लाइन का जो भी लिखे हैं टेस्ट उसका फर्स्ट लाइन क्लिक करिए पॉइंट और सेकंड लाइन। ये याद रखिएगा कि रेफरेंस जब भी आप लेंगे आर्थो आपका ऑफ होना चाहिए, अगर आर्थो नहीं ऑफ होगा तो ये आपका स्ट्रेट ही जाएगा। ठीक है, और जब भी ये आप रेफरेंस करेंगे तो हमेशा ये समझ लीजिए एंगल पे लाइन लग के आपको रेफरेंस करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब देखिए आप अपने माउस को ड्रैग करिए। ठीक है, माउस को ड्रैग करेंगे तो ये देखिए जितना भी बड़ा आप लिखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या नाम है टेस्ट लिखना। ठीक है, ये अब देखिए हम आपको कुछ और कमांड बताते हैं, जैसे कि इसके अंदर अब दूसरा जो है वो होता है सिंगल लाइन। सिंगल लाइन क्या है कि आपको एक स्टार्टिंग स्पेसिफाई पॉइंट आपको देना पड़ता है। ठीक है, और अपने जो टेस्ट है उसकी हाइट देनी पड़ती है। तो डिफॉल्ट में हमारा हाइट जो वो 41 सेट है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेट करना चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको देना रहता है रोटेशन एंगल, तो हम लोग रोटेशन एंगल आप जो भी देना चाहते हैं, तो आर्थो अगर ऑन है तो जीरो पे रहता है, तो हम लोग जीरो देख के और इंटर करेंगे। ठीक है, इंटर करने के बाद अब आपसे देखिए अब आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, कुछ आप डरिए नहीं, सीधा जो आपको जो भी आपको लिखना तो आप लिख दीजिए, लिख दिए और बाहर में क्लिक करिए। अब फिर क्लिक करने के बाद एस्केप बटन प्रेस करिए और फिर पुराना वही स्टेप इस पर क्लिक करिए। ठीक है, एक्सप्रेस टूल्स में जाइए, इनक्लोज इन ऑब्जेक्ट करिए, फिर एस्केप करिए, फिर अपने लाइन को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद एस सी इंटर करिए।
एससी इंटर करने के बाद अपना बेस पॉइंट दीजिए। बेस पॉइंट देने के बाद यहाँ कमांड लाइन से रेफरेंस पे क्लिक करिए। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद अब देखिए, आपको मैंने बताया था कि ऑर्थो मोड ऑफ होना चाहिए, तो ऑर्थो को ऑफ करिए। फिर फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करिए। फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करिए। सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद आप अपने फिगर, अपना जो टेस्ट लिखे हुए उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दिख रहा है, माउस को ड्रैग करिए तो आपको दिखेगा, ठीक है। अब अपना क्लिक कर दीजिए, तो ये होता है आपका टेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है टेबल। टेबल ऑप्शन क्या है कि अगर आपको अपने ड्राइंग में कोई टेबल बनाना है, ये जनरली इलेक्ट्रिकल वाले मैक्सिमम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए आप लोग यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। टेबल पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने पहले आपको मैं बता दूँ कि आपके पास कोई ना कोई टेबल बना होना चाहिए, ठीक है। अगर टेबल बना, आप उसको बनाएंगे कैसे, एक्सेल पे आपको बनाना है, तो टेबल एक बना होना चाहिए, ठीक है। टेबल बना होने के बाद आप यहाँ से अपने टेबल को ले सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्रॉम अ डाटा लिंक हमने लिया, फिर यहाँ से आप ऑप्शन पे जाएंगे, फिर अपने जो भी आप टेबल बना के रखे रहेंगे उसको चूज करेंगे। चूज करने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद आपका टेबल यहाँ पे शो करने लगता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग टेबल भी अपना बना लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेबल। तो ये हमारे जो आज के थे, ये सारे हमारे एनोटेशन टूल बार थे। एनोटेशन टूल बार के बाद अब हम लोग आगे दूसरे कमांड पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें रहेगी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और जो प्रॉब्लम हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।